जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल क्रेजी फैक्ट दीपक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र धाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगोत्री धाम के बारे में। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत। सनातन संस्कृति के लिए गंगा नदी और गंगोत्री धाम का बहुत ही विशेष महत्व है। उत्तराखंड में स्थित चारों पवित्र धामों में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के साथ साथ यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा का अपना विशेष पौराणिक महत्व है। गोमुख भगीरथी नदी का उद्गम स्थल है। यह वह पवित्र स्थलीय है जहाँ भगीरथ नदी का अवतरण हुआ था। गंगोत्री धाम हिमालय के भीतरी क्षेत्र की एक ऐसी पवित्र स्थली है जहाँ गंगा नदी की पावन धारा पहली बार पृथ्वी पर उतरी है। हिंदुओं के धार्मिक पुराणों और ग्रंथों के अनुसार देवी गंगा ने कठोर तपस्या के पश्चात एक नदी का रूप लिया और महाराज भगीरथ के पूर्वजों को उनके पापों से मुक्त किया था। महाराजा भगीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर आने के कारण गंगा जी का नाम भगीरथी पड़ा था। तो आइए दोस्तों जानते हैं गंगोत्री धाम के इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में। हिंदुओं के प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज रघुकुल के राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को उनके किए गए पापों से मुक्त कराने के लिए एक पवित्र शिलाखंड पर ध्यान लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। किंवदंतियों के अनुसार रघुकुल के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें राजाओं द्वारा अनुष्ठान के अश्व को चारों दिशाओं में यात्रा करवाने जाने वाले थे। राजा सागर द्वारा जिस घोड़े को अश्व के लिए यात्रा की जाने वाली थी, उसे अपने साथ लेकर राजा सागर के 60,000 पुत्र और उनकी दूसरी पत्नी रानी केसानी का पुत्र असमाजा पृथ्वी के चारों ओर निर्भरता यात्रा कर रहे थे। उस समय इंद्र देवता को ऐसा लगा कि यदि राजा सगर का यह यज्ञ सफल हो गया तो वह अपना सिंहासन खो देंगे। इसलिए उन्होंने उनका यज्ञ भंग करने के लिए घोड़े को चुरा लिया और महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। उस समय महर्षि कपिल कठोर ध्यान में लगे हुए थे। जब उनके पुत्रों ने घोड़ों को उनके आश्रम में पाया तो उन्होंने तुरंत आश्रम पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोलने के बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को नष्ट होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि राजा सगर के पोते महाराजा भगीरथ ने अपने इन्हीं पूर्वजों को पाप से मुक्त करने और मोक्ष दिलाने के लिए देवी गंगा को प्रश्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान से उन्हें काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके पूर्वजों को पाप से मुक्त करने के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया। गंगा माता की तीव्र और प्रचंड धाराओं को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं पर उतारा और उसके बाद पृथ्वी पर आने दिया। तो आइए दोस्तों जानते हैं गंगोत्री मंदिर का महत्व। भारतीय हिंदुओं के लिए गंगोत्री धाम बहुत विशेष महत्व रखता है। यह सनातन संस्कृति के मामले में लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि अपने पूर्ण आयु काल में एक बार इस तीर्थ स्थलों पर जरूर जाना चाहिए। गंगोत्री मंदिर के पास एकत्रित गंगा जी के जल को अमृत के तुल्य माना जाता है और इससे सभी श्रद्धालु अपने घर लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि इसी गंगोत्री धाम में महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने हाथों से अपने पूर्वज और रिश्तेदारों की हत्या का प्रायश्चित करके इसी पानी से अपने पाप को धोया था, तब जाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।